भाई सबसे पहले तो यार सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। जितने भी लोग हैं आप मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे परिवार के सदस्यों, आप सभी को दिल से शुभ दीपावली। एंड अपने परिवार में खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा ओढ़ो, मेहनत करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है या कुछ बाइकों में रिलेटेड नॉलेज मिलती है तो मेरे को भी छोटा सा विश कर देना। हैप्पी दिवाली आपको भी सागर जी एंड राजवीर जी। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो। इस तरीके से हमारा जीपीएस ट्रैकर है, बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा आसानी से लगाया जा सकता है। कैसे लगाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या निकला है जीपीएस ट्रैकर की डिब्बे में। ये रिले निकला है और इसका कपलर है। इसमें चार वायर हैं, दो ग्रीन है, येलो है, एक वाइट है। ओके, कैसे लगानी है ये भी बताऊँगा मैं आपको। और ये हमारा मेन डिवाइस है, ये मेन डिवाइस है हमारा, और ये कनेक्ट हो जाएगा हमारे उस वाली वायरिंग के कपड़े से, वो भी बताऊंगा उसको मैं। मेन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे लगाना है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा डिवाइस है और इसके अंदर एक ये दबाएंगे और खींचेंगे तो हमारा ये सिम इसमें लग जाती है, और इसके बाद इसमें लग जाती है एक सिम। अब सिम कैसे लगानी है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हमारे को सिम मिलती है, आपको इसमें कोई रिचार्ज विचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसकी सर्विस लेनी है और ये हमारी इसमें सिम निकल जाती है। तो ये हमारी सिम है और इस सिम को हमारे को इस तरीके से इसमें फिट कर देना है। ये हमारी सिम हो गई इसमें फिट। ओके, तो ये सिम हमारी फिट हो गई है, हमें ये इसमें हमारी सिम फिट हो चुकी है कंप्लीटली और ये डिवाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये इन दो का बता दिया। इसकी वायरिंग, इसकी वायरिंग के बारे में अगर बात की जाए तो ये जो वायरिंग है आप देख रहे हो इसमें चार वायर दे रखी हैं, 1 2 3 4। ये चारों वायर कहाँ लगेंगी, कैसे लगेंगी मैं आपको अभी बता देता हूँ, और फटाफट से मैं इसको बाइक के अंदर फिट करके आपको दिखाता हूँ ये चलता कैसे, काम कैसे करता है और इसे क्या क्या बेनिफिट होता है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा ईजी है इसको लगाना है। ये जो रेड कलर का इसके अंदर आप देख रहे हो बॉक्स टाइप का, ये एक्चुअली में इसके अंदर फ्यूज होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब ब्लेड फ्यूज लगा हुआ है, कल को बाई चांस कोई दिक्कत आए वायरिंग में तो इस आपकी वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी फ्यूज जो है वो उड़ जाएगा। ओके, तो ये फ्यूज के अलावा अगर बात की जाए कपलर दे रखा है, ये जो कपलर है हमारे मेन डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा कनेक्ट हो गया डिवाइस, बट अभी हम इसको निकाल देंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो हमारी वायर दे रखी है, इन वायरों का मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले ये है हमारी रेड कलर की वायर। ये जो रेड कलर की वायर है आप देख रहे हो, ये बैटरी के प्लस में जाएगी, बैटरी का प्लस। ओके, यानी कि हमारे इसमें मेन करंट जाएगा, मेन करंट की सप्लाई इसमें परमानेंटली मिलनी चाहिए। बैटरी का ये वाला लाल कलर का जो वायर है ये, और ये जो रिले का है वाइट वाला वायर ये दोनों ऐसे करके अटैच हो जाएंगे और बैटरी के प्लस में लग जाएंगे। ओके, अब उसके अलावा ये जो रिले का येलो कलर का वायर आप देख रहे हो, ये रिले का येलो वायर और इसके अंदर जो येलो वायर देख रहे हो, ये दोनों वायर आपस में ऐसे करके अटैच हो जाएंगे। ओके, टेप लग जाएगी इसके अंदर। अब बचे कितने हमारे वायर, एक ऑरेंज बच गया और एक ब्लैक बच गया। तो जो ब्लैक वायर है ये हमारा माइनस में जाएगा, बॉडी के किसी की भी पार्ट से आप टच कर सकते हो या फिर बैटरी के माइनस में लगा सकते हो इसको आप। और ये जो ऑरेंज वाला वायर है ये हमारे जाएगा इग्निशन वायर में, जो हमारा जिससे हम चाबी ऑन करते हैं तो वहाँ पर हमारे लॉक के नीचे दो वायर आते हैं, वो जो दो वायर होते हैं उन दोनों वायरों में से ये एक में लगेगा। और इसके साथ साथ ये जो ग्रीन कलर का वायर आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का वायर ऐसे करके अटैच हो जाएगा, और उसके अलावा ये जो वायर है जो हमारा इग्निशन का दूसरा वायर है ये उसमें अटैच हो जाएगा। इग्निशन के दो वायर होते हैं, एक वायर में ये लगेगा, एक वायर में लगेगा ये। ओके, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा आपका इग्निशन, ये मतलब जीपीएस चालू। तो कैसे करते हैं इसको फटाफट मैं आपको आगे दिखाता हूँ प्रोसेस को। तो यहाँ पर हमारा जीपीएस लग चुका है, ये जो रेड कलर की वायर देख रहे हो कम्प्लीटली डायरेक्ट जल रही है। और उसके अलावा अगर बात की जाए वायरिंग की, तो भाई वायरिंग का मैंने बता ही दिया था, येलो कलर का वायर आपके रिले के अंदर जाएगा, ग्रीन कलर का वायर आपके इग्निशन में जाएंगे और ऑरेंज कलर का वायर आपका इग्निशन में जाएगा। नहीं समझ में आया पूरी वीडियो स्किप मत करना, अगर स्किप कर रही हो तो भाई वीडियो को समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो अभी जीपीएस हमारा चालू हो चुका है और मैं आपको कुछ अच्छी सी चीज़ दिखाने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया। ये हमारे जो इग्निशन वायर है, इस इग्निशन वायर के अंदर से मैंने वायरिंग ली है। और अगर बात की जाए जीपीएस की, तो भाई इसकी खासियत दिखाता हूँ, आओ चलते हैं इसके मैप के अंदर। ये हमारी जो बाइक है हमारी ऑन है, स्टार्ट है, थोड़ी देर से जरा जी। तो देखो ये गाड़ी स्टार्ट है हमारी फर्स्ट क्लास, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी को ऑफ कैसे करते हैं। मैं जाऊँगा बहुत दूर, यहाँ से काफ़ी दूर चले जाऊँगा और हमारी गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट रहेगी, मैं कुछ करूँगा भी नहीं, गाड़ी से दूर रहूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ और हमारी गाड़ी ऑफ हो जाएगी, ऐसे ही रखेगा।
तो दोस्तों ये जो गाड़ी हमारी ऑन है अभी, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा दूर और आपको गाड़ी की काफ़ी ऑफर दिखाऊंगा एक अपने डिवाइस के थ्रू। ओके जैसा कि आपने देखा गाड़ी को मैंने ऑफ कर दिया, इग्निशन ऑफ कर दिया इसका, तो भाई यही मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। प्लस इसके अंदर जीपीएस लोकेशन का पता लगा सकते हो आप। अब आप सोच रहे हो ये ऑफ तो कर दी मैंने, तो ऑन कर सकते हैं नहीं कर सकते? भाई बिल्कुल ऑन कर सकते हैं यार। तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, इसका इग्निशन जो है ऑन हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी आपका इग्निशन ऑफ है तो आप इग्निशन बहुत आराम से ऑन कर सकते हो। मैं आपको फटाफट ऑन कर दिखाता हूँ, ऑन हो गई। इतना भी ये जो ऑन ऑफ करने का खेल है सारा का सारा मैं अपने फ़ोन से कर रहा था, और फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन आती है, उस एप्लीकेशन को स्क्रीन पे मैंने शो कर दिया है। प्रो ट्रैक इसका एप्लीकेशन का नाम है। जब आप बॉक्स को खरीदोगे तो उस बॉक्स के अंदर सारा कुछ डिटेल विटेल ए टू जेड सब निकलेगी, सिम विम सब निकलेगी। बाकायदा मैंने एक फ़ोन नंबर दे रखा है, आप उस फ़ोन पे कॉल भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा और आप बाय भी कर सकते हो। बाकी आओ मिलते हैं, थोड़ा सा फेस के साथ बातें कर लेते हैं यार, काफ़ी देर से बातें नहीं हुई हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यार विद अस। तो भाई आज जो इस वक्त आपने वीडियो देखी, उस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में आई होंगी। मैं बता देता हूँ कन्फ्यूजन चीज़ें क्या थी। पहली कन्फ्यूजन चीज़ ये होगी कि भाई हम इसको बाय कैसे करें, खरीदे कैसे। तो भाई पहला बता देता हूँ, खरीदने के लिए आपको मैंने एक लिंक दे दिया है नीचे अमेज़ोन का, उस अमेज़ोन से आप मंगवा सकते हो। और एक फ़ोन नंबर दे दिया है उस, अगर आप इसको मंगवाते हो या मंगवाने से पहले कुछ सोच रहे हो दिमाग में और कुछ चाहते हो, कुछ मतलब कुछ गाइडेंस चाहते हो, तो उस पर कॉल कर सकते हो। और आपने मंगवा लिया है, उसकी ट्रैकर के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं बेनिफिट के लिए, कॉल भी नंबर भी दे रखा है मैंने और बाय लिंक भी दे रखा है, बाय कर सकते हो वहाँ से। उसके अलावा अगर बात की जाए मुझे पर्सनली, अगर मैं बताऊँ तो मेरे को इस जीपीएस के अंदर दो तीन चीज़ें अच्छी लगी। पहली ये कि हम अपनी मोबाइल से अपने इंजन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब गाड़ी के बिल्कुल करंट ही गायब कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई बंदा हमारी गाड़ी में हमसे मांग के ले जा रहा है और वो बोल के जा रहा है भाई मुझे बस पास में जाना है यार, दो मिनट की दूरी पर, और हमने मोबाइल में देख लिया अपने जीपीएस से कि भाई ये बंदा तो 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर जा रहा है, 20-25 किलोमीटर दूर जा रहा है। और जब वो वापस आता है तो देखते हैं भाई बंदा बोलता है अरे भाई मैं तो बगल में ले गया था, तो हम देख सकते हैं भाई ये बंदा बगल में नहीं ले गया था, काफ़ी दूर ले गया था। और उसके अलावा अगर हमारी गाड़ी चोरी होने का डर है तो इस जीपीएस की लोकेशन के द्वारा हम अपनी गाड़ी की सुरक्षा के तौर पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरत सकते हैं। मतलब हमारी गाड़ी अगर हमारे से दूर हो गई या हमें पता नहीं है हमारी गाड़ी कहाँ है, खड़ी कहाँ पर है, तो अपने मोबाइल के द्वारा पता लगा सकते हैं हमारी गाड़ी कहाँ है इस वक्त। और सबसे बड़ी बात, जिस भी लोकेशन पर हमारी गाड़ी है अगर वो चल रही है, स्टार्ट हो रही है, तो उसी टाइम उस गाड़ी का हम स्विच ऑफ कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं उस गाड़ी को। ताकि आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिली हैं, जानकारी मिली है। बाकी जीपीएस ट्रैकर की बात की जाए तो भाई काफ़ी सारे जीपीएस ट्रैकर आते हैं, बट मुझे पर्सनली मैंने अमेज़न से ये बाय किया, मैंने खरीदा सिर्फ इस वीडियो को बनाने के लिए। मैंने देखा मेरी नज़र गई यार जीपीएस ट्रैकर तो बनाना चाहिए वीडियो, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने बताया आपको, इस वीडियो में बताया। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, चेक करके बताना, कमेंट करके बताना। और काफ़ी सारे लोग जिनको खरीदने की सोच रहे हैं, BS6 बाइक में भी लग जाती है, BS6 बाइक में अगर आपको जीपीएस ट्रैकर लगाना है तो सेम जिस तरीके से मैंने उसकी वायरिंग करी है बिल्कुल सेम आपको BS6 में भी ऐसी करनी है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, इससे कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती बता देता हूँ मैं, बैटरी का बिल्कुल भी इस पे लोड नहीं पड़ता, मतलब इतना सा है दूसरा बैटरी बिल्कुल कंजप्शन नहीं करता बिल्कुल भी, मतलब बैटरी को लेकर परेशान मत होना। ये मान लो एक छोटा सा LED बल्ब जो जलता है ना गाड़ी चाबी ऑन करने पर, बस वही वाला सीन है और कुछ नहीं है उसके अलावा। उसके अलावा एक जेनुइन चीज़ है, कोई थर्ड पार्टी या लोकल वोकल नहीं है, जेनुइन है। आप ऐसा नहीं है कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करी उससे हो रहा, नहीं, ये प्रॉपर तरीके से बैकएंड में जो इनका कॉल सेंटर है उसके अकॉर्डिंग चलता है सब कुछ। अगर आपके फ़ोन में भी कोई दिक्कत आ गई, जो नीचे मैंने फ़ोन नंबर दे रखा है उस पर कॉल करके भी काफ़ी सारी चीज़ें अपनी गाड़ी के बारे में पता कर सकते हो कि भाई मेरा फ़ोन जो है टूट गया है पर मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मुझे बता दो मेरी गाड़ी की लोकेशन कौन सी है। तो वो जो फ़ोन नंबर मैंने नीचे दे रखा है उस फ़ोन पर भी आप कॉल सेंटर पर भी पता कर सकते हो मेरी गाड़ी इस वक्त है कहाँ पर। तो भाई काफ़ी सारे बंदों को ये चीज़ अच्छी लगी होगी, तो ये चीज़ अच्छी लगी तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, साथ में नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेके आऊँ अपनी कमेंट करके मुझे बताना। और ये जो जीपीएस ट्रैकर मैंने आपको दिखाया है ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।